दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट सैंडविच की रेसिपी। ये बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाती है, खाने में उतनी टेस्टी लगती है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हो, बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप इस रेसिपी भी बना के जरूर ट्राई करना। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो आपके लिए सिंपल रेसिपी बताती रहूँगी। चलो चलते हैं सैंडविच बनाने। तो आज हम बनाएंगे वेज सैंडविच। वेज सैंडविच बनाने के लिए मैंने ये ब्रेड ले ली है। तो मैंने व्हाइट ब्रेड लिया है, ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। तो मैंने देखो चार ब्रेड ले ली है। तो इनके ऊपर लगाऊंगा टमाटो केचप दोनों के ऊपर। चारों तरफ फैला लेना अच्छे से इस तरह से। हम इस पर लगाएंगे प्याज, पतले पतले एकदम स्लाइस काटे हमने प्याज के दोनों पर। इस तरह से प्याज लगा लेंगे। आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हो। अब लगाएंगे हम खीरा, कुकुम्बर इस तरह से। तो दोनों पर हम खीरा लगा लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं हम। अब लगाएंगे हम आलू। मेरे पास ये गुला हुआ आलू पड़ा था, मैंने उसे ले लिया। तो हम आलू लगा देते हैं। आपके पास अगर नहीं है तो आप ना लगाएं, स्किप कर सकते हैं। आपके जो भी वेजिटेबल हो आप यूज कर सकते हैं, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी हो। अब इसके ऊपर डालेंगे हम हल्का सा नमक। तो अब हल्का हल्का सा इसके ऊपर नमक डाल देते हैं, ज़्यादा ना डालें, हल्का हल्का सा ही डालें। और दोबारा से रखेंगे इसके ऊपर टमाटर। फिर से टमाटर ना हो तो आप इनको भी स्किप कर सकते हो। मैंने आपको बोल दिया जो वेजिटेबल हो आप उसका यूज़ करें, जो ना हो उसको स्किप करें। और आप इसमें वेजिटेबल बढ़ा भी सकते हो। मैंने तो ओनली चारों का यूज़ किया है। अब इसके ऊपर डालेंगे फिर से हम चाट मसाला। अब लगाऊंगी मैं इस तरह का चीज़ स्लाइस। आप नॉर्मल चीज़ हो वो भी लगा सकते हो, वाइट चीज़ स्लाइस हो वो भी लगा सकते हो। तो वो इस तरह का हो तो ये वाला लगा सकते हो। इस तरह का वाइट वाला चीज़ स्लाइस हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, और चीज़ ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों तरह के दिखा दिए हैं। हम डालेंगे इस पर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स सीजनिंग। अब दूसरी ब्रेड इनके ऊपर रख देते हैं इस तरह से। और अब चलेंगे कि अभी दोनों तैयार हो गए, अभी इन्हें सेक लेते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने तवा रख दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम बटर। आप घी में सेकना चाहो घी में भी सेक सकते हो। अब हम बटर लगा देते हैं इस तरह से। एक बना के रखी है, एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। तरह से इसके ऊपर दोनों सैंडविचों को हमने रख दिया है। मैंने सेक लेंगे, इसे मीडियम फ्लेम पे सेकने देंगे। दोनों साइड से एकदम क्रिस्पी सिक जाएगी। मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ बटर इस तरह से। आप घी भी लगा सकते हो, मैंने आपको बोल रखा है। जो भी आप जिसमें आप बना रहे हो सैंडविच आप उसका यूज कर सकते हो। दोनों के ऊपर मैं इस तरह से बटर लगा देती हूँ और इन्हें सेकने देती हूँ। इस तरह से प्रेस करते हुए सेक लेंगे दोनों। अब इन्हें हम पलट देते हैं। तो इसे अच्छी तरह से करके तब पलटते हैं, सब्जी निकलने का डर रहता है। इसे भी पलट देते हैं उस तरह से। तैयार हुई है ये भी, तो इन्हें दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं ऐसे प्रेस करते हुए। हल्का सा प्रेस करते हैं और ना दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो हमारी सैंडविच सिक गई दोनों साइड से, तो अभी निकाल लेते हैं हम। इसमें तो खुल सकती खाना। तो हम काट लेंगे बहुत तेज़
वो दिखा रहे हो सो उसमें डंडा मारते थे तुरंत। मुझे दिखा रहे मैंने वो ये रख लो। तो अभी नेम काट लेते हैं, अब इसकी कर देते हैं कटिंग। तो वो इतनी अब अच्छी आवाज आ रही है, एकदम क्रिस्पी दिख के तैयार हुई है, आप देख सकते हो। देखो देखो कितने अच्छे सिक्के तैयार हुए हैं, और अंदर से भी एकदम काफ़ी वेजिटेबल भरी हुई हैं, तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। देखो हमारी सैंडविच बन के तैयार हो गई हैं, हमने कर दी इनकी प्लेटिंग। देखो कितनी एकदम ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर लग रही है, कलरफुल सी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। एक बार ट्राई जरूर करें मेरी तरह से आप सैंडविच बना के, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप इसे बार बार बनाओगे तो आपके लिए सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।